आप कह रहे हैं पतला सा है, आप दस मिनट थोड़ा पतला पानी का देख दे दो, देख दे दो, जब आपके पास पैसे आएंगे तो देख। एक का काम भी नहीं है। हाँ देख लीजिए क्यों यही नहीं, एक का काम भी नहीं है, नौकरी वाले हैं उसके काम करने वाले हैं, कोई से देख वाले हैं, कोई से भी उसकी बात बैंक का खाता पता है आपको, चेक करवा देंगे तो आपका गुरु से नहीं भरा ना आज का थोड़ी है कोई पैसा दो महीने पहला भी उनको बताया था, किया था फाइनल कर दो कुछ तो भी कर दिया ना इसके अंदर। आपके यहाँ नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए आई थी, क्या विषय है? तो ये मकान टैक्स के लिए संपत्ति का था। फिर आपने क्या कहा? हमने ये क्या टाइम दो, दो तीन महीने का हमने अधिकारी का कह के गए तो वो हमने के थोड़ा बहुत जमा कर देंगे, हम तो ये किया बस, हमने ये किया। आपको कितना समय देखा है अभी? अभी दो चार आठ दिन का मतलब किया हमने। आपने कहा अधिकारी एक दिन का कह गए आपको, आपका नाम? लियाकत। लियाकत भाई सर क्या विषय है और आप यहाँ किस कार्रवाई पे आए थे? जिन लोगों ने कई वर्षों से बकाया है और उनके द्वारा संपत्ति का निरंतर जमा नहीं किया जा रहा है, ऐसे में 174 और शक्ति पत्र जारी करके आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार एक कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। अगर आवेदक राशि जमा कर देता है तो एक कुर्की की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और पैसे जमा नहीं करता है तो कुर्की की कार्रवाई की से वसूली की जा रही है। आपने आज कुछ समय दिया है? हाँ आज इनके कहने पर, इनके पारिवारिक विवाद है इनका, तो ये दोनों भाई मिलके कल तक का हमने टाइम दिया है, कल ही पैसे जमा नहीं करते तो इनकी कुर्की की दुकान या जो भी इनकी गाड़ी चले अचल जो भी संपत्ति होगी उससे कुर्की राशि की है उस राशि के हिसाब से इनकी कुर्की कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? प्रवीण कुमार पाठक, संपत्ति अधिकारी नगर निगम देवास। जी बताइए। नगर निगम द्वारा आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार निरंतर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। भगत सिंह मार्ग वार्ड नंबर 39 में जो बड़े बकायेदार थे, इनका कुछ पारिवारिक हिस्से माटी था, उनके हिस्से माटी करके उनके द्वारा पूर्ण उनके कार्य करने के बाद उनके द्वारा आज कुर्की के दौरान 92,000 के चेक प्राप्त किए गए हैं। उनमें समान जन से जिनके द्वारा बकाया है और अभी शासन द्वारा दिसंबर तक कोविड की छूट भी दी गई थी फिर भी लोगों ने राशि जमा नहीं की है, तो सभी से मेरा आग्रह है कि कुर्की जैसी अप्रिय कार्रवाई नगर निगम को ना करना पड़े, समय से अपने करों का संपूर्ण भुगतान करें और कुर्की की कार्रवाई से बचें। सभी पूरी जनता जनार्दन से आयुक्त महोदय की तरफ से मेरा निवेदन। आपका? प्रवीण कुमार पाठक, राजस्व अधिकारी नगर निगम देवास।